नमस्कार, पब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक, गायत्री शर्मा भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां केदारनाथ मंदिर के कपाट आज 7:15 बजे खुलने वाले हैं और इसी के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। करवाया है, पिछले बार की बात करें तो 56 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और अभी 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदारनाथ मंदिर को। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। 7:15 बजे कपाट खुलेंगे, 10 मई है आज और 12 मई को वही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और इसी के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो आपको बता दें, चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। 22 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, आज खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। अब से थोड़ी देर में खुलेंगे चार धाम यात्रा, आज से शुरू हो रही है और थोड़ी देर में केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपेश, वहां क्या नजारा, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, बस थोड़ी देर का और इंतजार और कपाट खुल जाएंगे। देखिए बिल्कुल गायत्री और मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पार्वती पतये हर हर महादेव का गुंजायमान जो है वो सुनाई दे रहा है। ठीक एक मिनट का वक्त और बचा है, या फिर कह लीजिए कुछ सेकंड का वक्त और बचा है, उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के दर जो है वो खुलने जा रहे हैं। तैयारियां आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी पहुंच चुके हैं और केदारनाथ मंदिर समिति के तमाम सदस्य इस वक्त वहां पर मौजूद है। इंदौर से स्पेशल बैंड यहाँ पर बुलाया गया है जो बाबा केदार के कपाट खुलते वक्त यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है और तस्वीरों में हम जो दिखा रखे हैं, केदार घाटी जो अपने आप में स्वर्ग मानी जाती है, उस केदार श्रृंग में अब से चार धाम की जो यात्रा है उसका आगाज होने जा रहा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। उसमें सबसे पहले आज यानी अक्षय तृतीया के दिन ठीक सुबह 7 बजे बाबा केदार के दर खुलने वाले हैं, कपाट खुलने वाले हैं। पहले गेट पर पूजा अर्चना हुई, मंत्रोच्चार के साथ पहले गेट पर पूजा अर्चना की गई, उसके बाद अब ताला खोला जाएगा। ताला खोलने के बाद अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे और सबसे पहले दर्शन जो हैं वो वहां अखंड ज्योति के होते हैं, यानी 6 महीने जब पूरे बर्फ से ये केदार श्रृंग ढका हुआ रहता है उसके बाद भी अंदर जो है वो ज्योति प्रज्वलित रहती है, अखंड ज्योति जलती रहती है। सबसे पहले दर्शन उस अखंड ज्योति के होते हैं, उसके बाद बाबा केदार का जो विग्रह होता है उसके दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं पिछले 6 महीनों से बाबा समाधि में लीन थे, अब उन्हें जागृत किया जाएगा, उन्हें समाधि से उठाया जाएगा, तो उसके लिए विशेष अभिषेक की व्यवस्था होती है। यहां पहले उनका अभिषेक किया जाएगा, रुद्राभिषेक होगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज गायत्री और मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि जब मंदिर में प्रवेश किया जाएगा तो जो संत महात्मा हैं वो ये बताते हैं कि जब हम कपाट बंद करके और नीचे के तरफ ऊखी मठ में बाबा की डोली को ले जाते हैं उस वक्त यहाँ मंदिर के अंदर भोग लगाया जाता है, नाना प्रकार की सामग्रियों को बाबा के लिए यहाँ रखा जाता है और जब आज कपाट खुलते हैं तो वो पूरी सामग्री जो है वो नदारद रहती है, यानी बाबा उन तमाम भोगों का इस्तेमाल करते हैं और जब कपाट खुलते हैं तो वहां सिर्फ दो चीज आपको देखने को मिलती है। उन दो चीजों में बाबा के ऊपर बेलपत्र चढ़ी होती है, भस्म वहां रखी होती है और वहां रुद्राक्ष होता है। इसके अलावा आपको अंदर मंदिर में जो भोग सामग्री लगाई जाती है वो वहां से नदारद रहती है, यानी बाबा जो है वो उस भोग सामग्री को पा लेते हैं। ये जो यहाँ के संत महात्मा है उनके द्वारा बताया जाता है। साथ ही साथ अब सबसे पहले जो विशेष पूजा अर्चना अंदर अब शुरू होने वाली है, 7:02 हो चुके हैं, कपाट खुल चुके हैं, द्वार खुल चुके हैं, अंदर अब सब प्रवेश कर रखे हैं। विशेष पूजा अर्चना जो है वो अब अंदर की जाएगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन की व्यवस्था है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। अगर अभिषेक आप मंदिर के उस साइड अगर आप तस्वीरों में दिखा पाए, जो बड़ी सी लाइन श्रद्धालुओं की ठीक सुबह 4 और 5 बजे से लगी हुई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रखी है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहां पहुंचे हुए हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि लाखों श्रद्धालु अभी तक यहां रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं दर्शन करने आने के लिए। आज की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे होंगे, लेकिन तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बाबा के दर पर
पहुंचने वालों की संख्या में कभी कमी देखने को नहीं मिली है। और अब जरा मंदिर के चुके हम पीछे साइड मौजूद हैं और अगर अभिषेक आप भीमशिला के दर्शन करा पाए हमारे रिपब्लिक भारत के श्रद्धालुओं को तो जरा वो भी करा दीजिए। मंदिर के ठीक पीछे आपको जो भीमशिला दिख रही है गायत्री और मीनाक्षी, ये भीमशिला वही भीमशिला है जो 2013 में जब त्रासदी आई तो अचानक से इस पहाड़ी से, जरा अभिषेक पीछे दिखाइए, जो नर और नारायण पर्वत है उन नर नारायण पर्वत के पीछे से जो ग्लेशियर के पास झील बन गई थी, उस झील के टूटने के बाद जो यहाँ महाप्रलय आया था, उस महाप्रलय के बाद यहाँ अचानक से इतना वेग पानी का था कि सब कुछ यहाँ जो आपको अभी नजर आ रहा है, अब जरा अभिषेक इधर दिखाइए, यहाँ जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है वो तहस नहस हो चुका था, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मंदिर जो है वहाँ के नजारे का लुत्फ आप उठा रहे हैं, जो उत्साह है श्रद्धालुओं में वो लगातार देखते ही बन रहा है। हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि बस थोड़ी देर का इंतजार और कपाट खुलेंगे। और आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं चुनावी चौपाल की। हाँ, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा सीट जहां पर लगातार हमारी टीम पहुंच रही है, आपको बता दें आज हम जिस लोकसभा सीट की बात करेंगे वहां कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अभी 40 सालों से हाथ को जीत का इंतजार है और इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन समाजवादी पार्टी टक्कर देती रही है। तो क्या 24 के महासंग्राम में जनादेश किसके पक्ष में होगा और हम इस सीट की बात कर रहे हैं वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विकास दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं विकास दिखाई पड़ रहा है? विकास तो है, सरकार अच्छी है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधान मोदी होने चाहिए। चाइना 70 साल में उतनी पॉपुलेशन के साथ आज कहाँ पहुंच चुका है और हम लोग जो है 70 साल कांग्रेस को देने के बाद आज भी हम लोग क्या मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा? जब से राहुल ने कमाल संभाली है अपनी कांग्रेस की, जब अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं बचा पा रहा है तो देश को क्या बचाएंगे वो? हरदोई लोकसभा सीट राजधानी लखनऊ के करीब होने के नाते सियासी मैदान में सीट की खास जगह है। गंगा जमुनी तहजीब वाली हरदोई लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का खूब डंका बजा तो कभी साइकिल भी चली, हाथ ही दौड़ा, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच पाया और अब तो कमल ही खिल रहा है, यानी सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी फिर से यहां पर अपनी वापसी करना चाहती है, लेकिन जनता क्या चाहती है यही जानने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रिपब्लिक भारत की टीम लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर क्या है आम जनता का मजा इसे जानने के लिए पहुंची है और हरदोई लोकसभा सीट जो अपने आप में बेहद खास है उसका मजा जानने के लिए हम पहुंचे हैं और इस चुनावी चौपाल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे यहां के मुद्दे क्या है, यहां की जनता आखिर किसके बारे में जो है सबसे ज्यादा सोच रही है इस बार, कौन से वो मुद्दे जो है वो हरदोई की जनता के यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या क्या नाम भाई साहब? संजय गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, क्या माहौल है हरदोई का? ठीक है,